हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास में शारीरिक चैप्टर में एक नया डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, उपशारीरिक और सहखंड। और एक और डिफिनेशन होगा आव्यूह का सहखंडज। तो इस डिफिनेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले उपशारीरिक को डिफाइन करते हैं। आपके सामने एक शारीरिक लिखा गया है, 3×3 क्रम का है। यह नंबरिंग के हिसाब से एलिमेंट्स को हम दर्शाए हैं। ये नंबर सबको पता है, ये 1-1, ये 1-2, ये 1-3, ये 2-1, ये 2-3, ये 3-1, ये 3-3, ये 3-3। ये नंबरिंग आप अच्छी तरह से समझते हैं। हम बात करें अगर ये 1-1 का, ये 1-1 एलिमेंट है, अगर हम इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटा दें तो हमारे पास एक शारीरिक बन रहा है, ए 2-2, ए 3-2, ए 2-3, ए 3-3। तो इसे हम बोलेंगे, ये जो शारीरिक है वो अवयव एलिमेंट्स ए 1-1 का उपशारीरिक है। इसे हम बोलेंगे ए 1-1 का उपशारीरिक है। इसका मतलब ये जितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं सभी अवयवों का एक एक उपशारीरिक होगा। जैसे हम अगर एक आंकिक सवाल लेकर चलें, जैसे यहां देखिए 2, 5, 6, 9, 7, 8, 2, 3, 4, तो हम ये कहें कि 9 यहां है, 9 का उपशारीरिक क्या होगा? तो आप बोलेंगे 9 का उपशारीरिक होगा, आप इसको हटाइए और इसको हटाइए, इसको हटा दो और इसको हटा दो, 9 कट गया, 5, 6, 3, 4। इसे हम नोट करेंगे, इसका संग जिसे इंग्लिश वर्ड माइनर यम से नोट करेंगे। और ये नंबरिंग 9 क्या है, ये दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ ए यम 2-1। तो प्रत्येक अवयव जैसे ए 1-1, ए 1-1 का उपशारीरिक जो होगा इसका संकेत होगा यम 1-1। ऐसे ए 1-2 के उपशारीरिक का संकेतन होगा यम 1-2। तो इस तरह से इसमें किसी भी अवयव का उपशारीरिक पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो ये जितने गुणे 3×3 का है, तो प्रत्येक 9 अवयवों का 9 उपशारीरिक होगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन इसे देगा, उसमें कहेगा 5 का उपशारीरिक बताइए या 4 का उपशारीरिक बताइए। अब हम सहखंडज का परिभाषा आपको बताते हैं। अभी उपशारीरिक आप निकाले, लेकिन उपशारीरिक की ही सहायता से सहखंडज निकलेगा। जैसे हम क्या बताएं, ए 1-1 का उपशारीरिक का संकेत होगा यम 1-1, लेकिन ए 1-1 का सहखंड को हम ए 1-1 का सहखंड का संकेतन होगा ए 1-1। ध्यान दीजिए, यम फॉर माइनर, और जब सहखंडज की बात करेंगे तो उसका संकेतन होगा ए 1-1। तो ए 1-1 होगा क्या, ए 1-1 का जो मान होगा वो यम 1-1 ही होगा जो शारीरिक बना था, लेकिन यहां इसके साथ -1 लगा के ये दोनों अंकों का योग 1+1 करेंगे। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए ध्यान से, किसी भी अवयव का जो सहखंड होगा वो उपशारीरिक ही होगा, लेकिन उपशारीरिक में ये जो अवयवों का क्रम है उस क्रम का योग यहां लिख देंगे 1+1। जैसे फिर एक बार यहां देख लें, ये शारीरिक हम लिख रहे हैं 2, 5, 6, 3, 1, 4, 9, 8, 7। अगर हम कहें 9, चलिए 9 का सहखंड क्या होगा, तो 9 का नंबरिंग क्या है, तीसरा पंक्ति है, क्लियर, और पहला स्तंभ है, तो यम 3-1, तो आप A 3-1 लिखेंगे, A 3-1 होगा 3-1, तो इसमें क्या लिखेंगे, -1^3+1 लिखना होगा, इनटू उसका जो उपशारीरिक है वो लिख जाइए। इसे 9 है, इसको आप हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 5, 6, 1, 4। तो यहां
इसका मतलब ये हो गया माइनस वन टू द पावर, ये थ्री प्लस वन क्या होगा फोर, फोर एक इवन नंबर है इसलिए आप माइनस वन को छोड़ दें, इसका जो मान होगा पांच चौक बीस माइनस छह चौदह। तो प्रत्येक अवयव का सहखंड भी यहां होगा, तो इस तरह से कोई भी सारणी लिया हो उसके किसी भी अवयव का सहखंड निकालना, किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना, ये आप समझ चुके हैं। आपका एक्सरसाइज 4.4 एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, मुश्किल से उसमें दो या तीन सवाल हैं, आप देखेंगे ऐसे कुछ इस टाइप के कुछ सारणिक दिए गए हैं जिसमें आपको कोई अवयव नाम रख के पूछा है कि इसका इस अवयव का उपसारणिक लिखिए या फिर किसी अवयव का सहखंड लिखिए, बस इतना ही है। तो ये आपका 4.4 कंप्लीट हुआ और ये दो डेफिनेशन यहाँ उपसारणिक और सहखंड आप समझे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आता है आव्यूह का सहखंडज, इस परिभाषा को हम बताते हैं। अब हम लोग आव्यूह का सहखंडज को समझेंगे, इसकी परिभाषा देखिए। यहाँ आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ एक आपके सामने एक मैट्रिक्स है, अभी हम इन सभी अवयवों का सहखंड को फैक्टर निकालना सीख चुके हैं। जैसे A11 का को फैक्टर A11 होगा, ये कैसे मिला, हम इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाए थे और माइनस वन पे वन प्लस वन लिखे थे और एक सारणिक बनाए थे, ये इसको हटाने के बाद A22 A32 A23 A33 ऐसे इसके सहखंड को क्या लिखेंगे A12। तो अगर हम इसका एक मैट्रिक्स बना लें, किसका, इन सभी अवयवों के सहखंडों का मैट्रिक्स, जैसे इसका सहखंड A11 कैपिटल A11 A11 यहां से निकालेंगे, A12 अब ये 12 कैसे निकला को फैक्टर, पिछले परिभाषा में जाइए, A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये क्या कहेंगे इसको हम, ये क्या बना, इस आव्यूह A के सहखंडों का आव्यूह है। अब इसका हम परिवर्त आव्यूह कर लें, यह शब्द में लिखेंगे A के सहखंडों का आव्यूह। थोड़ा आव्यूह चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, अब इसका हम परिवर्त आव्यूह लिख जाए, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह कैसे लिखते हैं, इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, जैसे A11 A12 A13 है तो A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23 यहां लिख दें, A21 A22 A23 कहां से मिल रहा है, यहां से, ये दूसरी पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ बना, A31 A32 A33 ये जो मैट्रिक्स बनेगा यही होगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आव्यूह के सहखंडज, आव्यूह ए के सहखंडज को हम एडजॉइंट ऑफ ए से प्रकट करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बना, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, प्रत्येक अवयव का इसके हिसाब से ऐसे सहखंड को फैक्टर निकालना होगा और उन सभी को फैक्टरों को आप यहाँ भर के एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का परिवर्त करेंगे, गैस करेंगे, तो ये बनेगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। हम इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 5 3 2 6 7 9, हमें यहां ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए के का सहखंड आव्यूह ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप, इन प्रत्येक अवयवों का सबसे पहले को फैक्टर निकालना है, तो आप लिखेंगे A11 A11 है क्या, A11 नंबरिंग ये है 2, तो इसका सहखंड निकालना है तो इस स्तंभ इस पद को हटाते हैं 3 7 2 9 और यहां माइनस लगाएंगे, माइनस वन पे नंबरिंग 1 1 है तो 1 + 1 2 होगा, इवन नंबर होगा इसलिए पॉजिटिव ही लिखे, तो इसका मान निकाल सकते हैं, नतीजे 27 - 14 ये हो गया आपका 13।
ऐसे ए वन टू लिखना है तो निश्चित निगेटिव होगा, क्योंकि माइनस वन पे वन प्लस टू करेंगे तो निगेटिव होगा, तो माइनस करके और यहां इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया ए वन टू, ये है थ्री। तो इस स्तंभ इस पक्ष को हटा दीजिए, बचा आपका फाइव सिक्स टू नाइन, तो माइनस नौ पच्चे पैतालीस और छह दूनी बारह, इसको हटा सकते हैं 33। ऐसे ए वन थ्री, फिर ए टू वन टू 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 थ्री, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री, सबका निकाल सकते हैं। तब यहां लिखेंगे आप ए के सहखंडों का आव्यूह, यहां एक मैट्रिक्स बनाएंगे, पहला एलिमेंट्स मिला 13, दूसरा एलिमेंट क्या है माइनस 33। अभी यहां देखिए, यहां निकाल लेते हैं, ऐसे ये 13 जो आएगा यहां लिख लेंगे, फिर ये सभी अवयवों को अगर यहां भर देते हैं तो फिर अब लिखेंगे, इसलिए एट ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल, अब इसका परिवर्त करना होगा आपको, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ 13 माइनस 33 और यहां जो भी होगा, फिर इस लाइन को आप यहां लिख लेंगे, इस लाइन को यहां लिख लेंगे, इस तरह से ये जो मैट्रिक्स बना ये आपका है एडजॉइंट पे ए का सहखंडज आव्यूह। तो हम आशा करते हैं यहाँ सहखंड किसी भी अव्यू का सहखंड निकाल सकते हैं। फिर एक बार देख लें, सहखंड निकालना तो क्या करना, आपको प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे, वन वन ए वन टू ऐसे वन थ्री सम्मान निकाल लेंगे, उसके बाद उसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे, इस मैट्रिक्स का परिवर्त कर लेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। तो यहाँ तीन परिभाषा, किसी शारीरिक के अवयवों का औपचारिक निकालना, सहखंड निकालना और किसी आव्यूह का सहखंड ज्ञात करना, ये परिभाषा आप समझे। इसमें बहुत दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उस प्रमेय को हम समझाते हैं। हाँ, अब यहाँ एक प्रमेय है, उसको समझें आप। यहाँ देखिए, किसी वर्ग आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग उस आव्यूह के सारणिक के बराबर होता है। क्या बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है कोई, यहाँ देखिए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई वर्ग आव्यूह हो उसके कोई एक पंक्ति लेते हैं, मान लीजिए यही पंक्ति हम ले लिए, चाहे कोई भी ले सकते हैं या कोई स्तंभ भी ले सकते हैं, उसके संगत अवयव जैसे ए वन वन में इसके सहखंड का गुणा करें, फिर ए वन टू में इसके सहखंड का गुणा कर लें, ए वन थ्री में इसके सहखंड का गुणा करें, तो वह गुणनफलों का योग जो होगा इस आव्यूह का जो सारणिक होगा उसी के बराबर होगा। देखिए हम इसका सारणिक निकाल रहे हैं, सारणिक निकालना आप जानते हैं, ए वन वन लिखते हो ऐसे और यह डिटरमिनेंट इसको काट के बनाते हैं, ए इसको हटाते हैं, इसको ए टू टू, फिर ए टू थ्री, फिर ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, फिर यहां तो माइनस आता ही है, ए या लिखना इसे माइनस वन टू दी पावर, ये नंबर है वन प्लस टू, फिर आप लिखते हैं इसको हटाए, ए वन टू तो यहां लिखेंगे, इस स्तंभ इस पंक्ति को हटा दिए, ए टू वन ए थ्री वन ए टू थ्री ए थ्री थ्री, फिर यहां लिखते हैं प्लस, फिर यहां माइनस वन पर, अब ए थ्री वन जब लिखेंगे ए वन थ्री तो इस पर वन प्लस थ्री होगा, और इस स्तंभ इस पंक्ति को हटाइए, ए टू वन फिर ए टू टू फिर ए थ्री वन ए थ्री टू, अब ए वन वन इसे आप क्या बोलते हैं, जब हम ए वन वन का सहखंड लिखेंगे को फैक्टर, तो आप इसको हटा के ये जो डिटरमिनेंट बनाए थे आखिर वही तो उसका सहखंड था, तो ये ए वन वन है, ए वन टू का भी तो ये सहखंड है, क्योंकि इस स्तंभ पक्ष को हटा के डिटरमिनेंट बनाते हैं और माइनस वन पे लिखे थे, ये है ए वन टू, इसी प्रकार ए वन थ्री यहां पर है तो ए वन थ्री है, तो इस प्रकार क्या मिला, इस मैट्रिक्स के किसी मान पहला पंक्ति हम लिए, पहले पंक्ति का अवयव क्या है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री और उनके संगत अवयवों का
शाखंड लिखे A11, A12, A13 इनका गुणा करके जोड़े तो खुद ये डिटर्मिनेंट ए ही बना। इस प्रकार ये प्रमेय क्या है, किसी वर्ग अवयव की किसी पद या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत शाखंडों के गुणनफलों का योग उस अवयव के सारणिक के बराबर होता है। इसी पर आधारित एक प्रमेय और है, उसको भी हम समझते हैं। हम इस पर एक दूसरा प्रमेय आपको बताते हैं। यहां देखिए, यदि एक पक्त या स्तंभ के अवयवों को एक अन्य पक्त या स्तंभ के शाखंडों से गुणा किया जाए तो उसका योग शून्य होता है। अब इसके पहले वाला प्रमेय क्या बताया कि एक पक्त या स्तंभ के अवयवों को उसी पक्त के संगत अवयवों के शाखंडों से गुणा करने पर जोड़ने पर इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका मान उसके बराबर होता है। लेकिन यहां बताया जा रहा है एक पक्त या स्तंभ के अवयवों को अन्य पक्त के या स्तंभ के शाखंडों से गुणा करने पर उनका योग शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल भी देखें, आपके सामने आया कि मैट्रिक्स है, हम क्या करें, इस पहले पक्ति में हम दूसरे पक्ति के अवयवों के शाखंडों से गुणा करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन अवयवों का शाखंड यहां निकाल लेते हैं। चलिए, सिक्स का शाखंड क्या होगा, शाखंड सिक्स का नंबरिंग देखें तो 2-1 है, तो विषम संख्या आएगा, तो इसलिए माइनस लिख दिए। इस पक्ति और इस स्तंभ को हटा के 5112 इसका मान ये आप निकाल चुके हैं। इस तरह से 3 का सहखंड और 2 का भी सहखंड यहां पहले देख लें आप। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, इस 2 में 6 का सहखंड का गुणा, तो 2 × ये 6 का सहखंड अभी -9 निकाले हैं, -9। 5 में 5 तब इसके संगत 3 है, तो 3 का सहखंड -1 है, तो 5 × -1। फिर 1 में इसका सहखंड 2 का, 2 का सहखंड 23, इसका गुणा कर रहे हैं। क्या किए हम, इस पक्ति के अवयवों 2, 5, 1, तो यहां देखिए 2, 5, 1 में दूसरे पक्ति 6, 3, 2 के सहखंडों का गुणा किया हम और उसको जोड़ रहे हैं कि ये मान 0 आ रहा है। अगर हम इसमें तीसरे पक्ति के सहखंडों का गुणा करें और जोड़ें तब भी 0 आएगा। अगर इसमें ये दूसरे स्तंभ के सहखंडों का गुणा करके जोड़ें तो 0 आएगा। इसके पहले वाले पर भी क्या बताया, इसमें इसी अवयव के सहखंडों का गुणा करके जोड़ेंगे तो इसके सारणिक के मान के ही बराबर होगा। अब हम इसी से संबंधित एक प्रमेय और आपको बताते हैं। यहां देखिए, प्रमेय ये है, कोई भी मैट्रिक्स हो ए, उसके एडजॉइंट से अगर गुणा करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आप सीख चुके हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर दें तो ये मान होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई तत्समक अव्यूह है, आप ध्यान दीजिए, अव्यूह वाले पार्ट में आपको बताया गया था तत्समक अव्यूह आपको याद होना चाहिए, मैट्रिक्स चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, ये आई है। तो चलिए, यहां हम एक मैट्रिक्स ले लिए ए, नंबरिंग सीधे लिखे हैं, इसके सहखंड का अव्यूह आप ऐसे बनाते हैं, जैसे A11 का सहखंड तो कैपिटल A11 लिखते हैं, A12 का सहखंड A12 लिखते हो, A13 का A13 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जब इसका परिवर्त करते हैं, इसके पक्तियों को हम स्तंभों में बदलते हैं, जैसे A11, A12, A13 है, तो यहाँ A11, A12, A13 यहाँ लिखते हैं और इस पक्ति को यहाँ लिखते हैं और इसको इसमें लिखते हैं, तो यही तो एडजॉइंट ऑफ ए है, किसी अवयव का सहखंड है। जब अभी आज ही परिभाषा बताए हम कि इन अवयवों के सहखंडों का अवयव बना लेंगे आप, फिर उसके परिवर्त करेंगे, पक्तियों का स्तंभ बदलते हैं, तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम इस एक पद को हम सॉल्व कर देते हैं, सेकेंड को आप करके देख लेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स ये लिख दिए और एडजॉइंट ऑफ ए यहां जो मिला इसको लिखे हम, इसका गुणा करना है। तो अब गुणा हम ऐसे कर रहे हैं, गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणनफल आप सबसे पहला पार्ट इस पक्ति का गुणा इस स्तंभ में करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, A11 का गुणा इसी अवयव का सहखंड है A11, A12 तो A12 ध्यान दीजिए, A12 ये सहखंड है, A13 फिर इसका सहखंड यहाँ है। अभी आज ही इसके पहले वाला प्रमेय क्या बताए हम कि किसी भी अवयव के किसी एक पक्ति के
अवयवों में उसके संगत अवयवों के सहखंडों का गुणनफल करके जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनता है, उस अवयव के सारणी का मान। प्रमेय थोड़ा रिपीट करेंगे, किसी अवयव के एक पक्ष के अवयवों को उसके संगत अवयव, आखिर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री है तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ही है, इसकी सहखंड है, इसका गुणा करके जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा। और एक प्रमेय बताए किसी अवयव के अवयवों में दूसरे पक्ष के, दूसरे किसी एक पक्ष के अवयवों में दूसरे पक्ष के अवयवों के सहखंडों से गुणा करके जोड़े तो उसका मान क्या होता है, जीरो। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री तो ए टू वन टू 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 थ्री, देखिये ए टू वन टू 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 थ्री इसके सहखंड आ रहे हैं तो इसका गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर यहां संगत मिलेगा। ये देखो इसका गुणा इसमें करोगे तो टू वन टू 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 थ्री, टू वन टू 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 थ्री, ये बनेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह से यहां बन गया। और आप अवयव में जानते हैं कि प्रत्येक अवयव में एक ही अंश गुणा हो तो उसको आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो वन जीरो 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 जीरो, यहां वन आएगा, जीरो 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 वन, और फिर यही तो आपका आई है, आई। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि किसी अवयव में उसके ज्वाइंट ऑफ ए से गुणा करते हैं तो उसका मान डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, या फिर इसका क्रम विध में भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से इतना पर में आप जानिए। इसके बाद हम एक डिफिनिशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनिशन बताएंगे आपको, व्युत्क्रम अवयव, किसी अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, और ये व्युत्क्रम अवयव बताने के बाद ही हम इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो बस आज इतना।